अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिस्टेंस लर्निंग मॉड्यूल फॉर सर्किट एनालिसिस लैब एंड आई एम अब्दुल्ला शौकत। सो टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑफ नोडल एनालिसिस एंड वी विल लर्न दैट हाउ नोडल एनालिसिस इज़ अप्लाइड टू एनी सर्किट एंड व्हाई वी यूज़ नोडल एनालिसिस। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रैक्टिकल इज़ टू एनालाइज सर्किट्स using a systematic technique, the nodal analysis. Okay, let's understand that what is nodal analysis is. The nodal analysis is a systematic way of applying KCL at each essential node of a circuit and represents the branch current in terms of node voltages. Means हम KCL apply करके डिफरेंट जो भी हमें नोड्स के वोल्टेजेस फाइंड आउट करने होंगे नोड के वोल्टेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दिस विल गिव्स अस अ सेट ऑफ इक्वेशंस दैट वी सॉल्व टुगेदर टू फाइंड द नोड वोल्टेजेस। सेट ऑफ इक्वेशंस मिल जाएंगे बाय अप्लाइंग केसीएल एट ईच नोड। हर नोड पे हम देखेंगे कि केसीएल अप्लाई करेंगे, करंट्स देखेंगे कौन से करंट्स एंटर हो रहे हैं, कौन से करंट्स लीव कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हम इक्वेशंस डेवलप करेंगे और इक्वेशंस डेवलप करने के बाद उन इक्वेशंस को सॉल्व करके डिफरेंट नोड्स के वोल्टेजेस हम फाइंड आउट करेंगे। बेसिक पर्पस यही है कि हम केसीएल अप्लाई करके या कोई भी तरीका अप्लाई करके सेट ऑफ इक्वेशंस डेवलप करें और फिर उसके बाद नोड वोल्टेजेस फाइंड आउट करें किसी भी अननोन नोड का वोल्टेज। ठीक है, once we find the node voltages, we can use them to calculate any other currents or voltages of interest. एक बार हमें node voltages find out कर लिए हमने तो फिर हम different currents भी find out कर सकते हैं different branches के। Okay, so this was basically objective and introduction of nodal analysis. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड नोड वोल्टेजेस। सबसे पहले हम ये सर्किट देख लेते हैं। हमारे पास ये एक सर्किट है। इस सर्किट में क्या है, दो हमारे पास सप्लाई लगी हुई हैं, एक लेफ्ट साइड पे सप्लाई है और एक राइट साइड पे सप्लाई है। इन बिटवीन दीज टू सप्लाईज वी हैव अ रेजिस्टेंस दैट इज़ आर ओम एंड वी हैव सम नोटेशंस वी ए आर वी बी आर एंड आर। वी ए आर बेसिकली रेफरेंस के रेस्पेक्ट से, ये एक रेफरेंस पॉइंट हमने सेलेक्ट किया हुआ है और रेफरेंस पॉइंट क्या है, ग्राउंड है। इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट से वोल्टेज हैं इस पॉइंट पे वी ए आर, इसलिए हम कह रहे हैं कि वोल्टेजेस एट दिस पॉइंट विथ रेफरेंस टू दिस आर। देन वी हैव वी बी आर, वी बी आर इज ऑल्सो वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट। तो इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से जो भी वोल्टेजेस यहाँ पे होंगे दोज आर कॉल्ड वी बी आर। सो वी आर इक्वल्स टू ज़ीरो। वाई वी आर इक्वल्स टू ज़ीरो बिकॉज दिस रेफरेंस पॉइंट इज़ एट ग्राउंड पोजीशन। तो ग्राउंड पोजीशन पे जो भी रेफरेंस पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ ज़ीरो पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो वोल्टेजेस होंगे तो वी आर इक्वल्स टू ज़ीरो। देन इसी सर्किट को हम दोबारा से रीड्रा कर सकते हैं। रीड्रा करेंगे तो फिर ये सर्किट कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। सो इन प्लेस ऑफ आर हम जस्ट वी ए लिखेंगे। पहले हम वी ए आर लिख रहे थे यहाँ पर, अब हम जस्ट वी ए लिखेंगे। हम कह देंगे कि ये इस पॉइंट का वोल्टेज है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट तो वैसे ही ज़ीरो वोल्ट पोजिशन पर है, तो इसलिए वी ए ही वो वोल्टेज होगा जो इस पॉइंट पे वोल्टेज होगा। देन वी बी, वी बी आर पहले हम लिख रहे थे तो अब हम वी बी सिंपल लिखेंगे क्योंकि अगेन ये जो रेफरेंस पॉइंट वाला वोल्टेज है दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे ये देख भी लेते हैं, इन द फिगर बिलो वी ए आर मीन्स द वोल्टेज ऑफ द नोड ए विथ रेस्पेक्ट टू नोड आर। वोल्टेज है नोड ए का विथ रेस्पेक्ट टू or with reference to this point R. If we consider the node R as a reference node, then VAR is simply written as VA. VA क्यों लिख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि reference point का जो potential है
दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो बिकॉज द वोल्टेज ऑफ द रेफरेंस नोड इज़ ज़ीरो। यही सिंपल जो टेक्निक है वो अगेन इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी। वी बी आर की जगह हम वी बी इन प्लेस ऑफ वी बी आर हम लिख सकते हैं। ओके, प्रोसीड करते हैं आगे। अब किस तरह से हमने इसको आगे प्रोसीड करना है कि अगर हम I12 जो है वो करंट निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे दो चीज़ें, दो जो है करंट्स दिखाई गए हैं, वन इज़ I12 I21। दोनों की जो डायरेक्शन है वो चेंज है। यहाँ पे अगर हम देखें राइट साइड पे डायरेक्शन है करंट की, और अगर यहाँ पे देखें I21 की, दैट इज़ टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। मीन्स अगर हम ये कहें कि करंट इज़ गोइंग इन साइड, तो यहाँ पे कहेंगे कि करंट इज़ गोइंग आउट साइड। ओके, तो I12 अगर फॉर द टाइमिंग हमने करंट सेलेक्ट किया है और उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, वी हैव टू वोल्टेजेस बिटवीन टू दीज टू पॉइंट्स V1 एंड V2। तो फिर जो I12 की इक्वेशन होगी दैट विल बी इक्वल्स टू V1 माइनस V2 एंड डिवाइडेड बाय R। जो भी रेजिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू वोल्टेजेस होगा दैट विल बी डिवाइडेड, एंड अपर साइड पे क्या होगा, V1 माइनस V2। डायरेक्शन हमने देखनी है करंट की, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ द करंट के रिस्पेक्ट से ही हम बताएंगे कि ये V1 माइनस V2 होगा और दिस विल बी V2 माइनस V1, क्योंकि डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट हैंड साइड है और हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे, V1 माइनस V2 करके डिवाइडेड बाय R कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास इस तरह का सर्किट नज़र आ रहा है, रेजिस्टर में जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज़ टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो जहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है दैट विल बी अवर इनिशियल पॉइंट। सो पहले हम कर रहे थे V1 माइनस V2, नाउ वी विल डू V2 माइनस V1, क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ है और आगे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, V2 माइनस V1 एंड डिवाइडेड बाय R। तो वहाँ पर जो सर्किट होगा, सर्किट में इक्वेशंस जब हम डेवलप करेंगे, वी विल सी द डायरेक्शन ऑफ करंट और वी विल सी द पोलैरिटी ऑफ दैट करंट, के जी पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव किस साइड पे है एंड नेगेटिव किस साइड पे है। पोटेंशियल के हिसाब से भी यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं कि इफ़ वी हैव टू पोटेंशियल्स, वन इज़ पॉजिटिव पोटेंशियल एंड अदर इज़ नेगेटिव पोटेंशियल पॉइंट, तो फिर हम किस तरह से इक्वेशंस डेवलप करेंगे। लेट सपोज वी वांट टू फाइंड आउट वी एक्स, सो दिस वी एक्स विल बी इक्वल्स टू, ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल पॉइंट है दैट विल बी अवर रेफरेंस पॉइंट। सो वी विल जस्ट राइट दिस इक्वेशन, वी एक्स V1 माइनस V2। अगेन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे पोटेंशियल पॉइंट्स रिवर्स हो गए हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल पॉइंट टूवर्ड्स V2 आ गया है और नेगेटिव पोटेंशियल पॉइंट टूवर्ड्स V1 आ गया है। सो VY विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल पॉइंट V2 की साइड पे है, प्रीवियसली इट वाज टूवर्ड्स V1 साइड, तो अभी V2 की साइड पे आ गया है, तो VY विल बी इक्वल्स टू V2 माइनस V1। इस तरह से हम इक्वेशंस जो है वो डेवलप करेंगे। ओके, दिस इज़ अ सर्किट ऑफ नोडल एनालिसिस जो हमने इम्प्लीमेंट करना है ऑन मल्टी सिम सॉफ्टवेयर। अब हम ये देख लेते हैं कि आगे प्रोसीड करने का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, कि नोडल एनालिसिस टेक्निक अप्लाई जब हम करेंगे, व्हाट विल बी द स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो। सो स्टेप नंबर वन इज़ आइडेंटिफाई ऑल द इसेंशियल नोड्स एंड चूज़ वन ऑफ देम एज अ रेफरेंस नोड। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमारे सारे इम्पॉर्टेंट नोड्स हैं, रिक्वायर्ड नोड्स हैं, वो हमने सेलेक्ट करनी है। लाइक ये एक नोड बन गई, ठीक है, जो ज़रूरी नोड्स हैं वो हमने सेलेक्ट कर लेनी है। एक नोड ये बन गई और एक नोड हमारी ये बन गई। सो इफ़ आई कॉल इट एज अ V1 देन आई विल कॉल इट एज अ V2, और फिर उसके बाद हमने रेफरेंस नोड लाजमी सेलेक्ट करनी है। रेफरेंस नोड क्या होगी,
दैट इज मोस्टली ग्राउंडेड नोड, जो कि हम जीरो पोटेंशियल पॉइंट पे कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये जो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं दोज आर नॉट एट जीरो पोटेंशियल पॉइंट्स, देयर इज सम पोटेंशियल ओवर हेयर, देयर इज आल्सो सम पोटेंशियल ओवर हेयर एंड देयर इज आल्सो सम पोटेंशियल ओवर हेयर, सो वी कैन नॉट कंसिडर देम एज अ जीरो रेफरेंस पॉइंट और जीरो पोटेंशियल पॉइंट. सो जीरो पोटेंशियल पॉइंट ये नोड होगी, ये वाली जीरो पोटेंशियल पॉइंट होगी, ये वाली जीरो पोटेंशियल पॉइंट है, बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड एंड कनेक्टेड एट अ सेम पॉइंट. तो ये सारे के सारे जो पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे, दीज ऑल पोटेंशियल पॉइंट्स विल बी एट जीरो पोटेंशियल. ठीक हो गया. दिस विल बी आल्सो एट जीरो पोटेंशियल, दिस विल आल्सो बी एट जीरो पोटेंशियल, दिस विल आल्सो बी एट जीरो पोटेंशियल एंड दिस विल आल्सो बी एट जीरो पोटेंशियल. तो रेफरेंस नोड हमने सेलेक्ट यहाँ पे करनी है, और एक नोड हमने ये सेलेक्ट कर ली, लेट सपोज एक नोड हमने ये सेलेक्ट कर ली. देन व्हाट इज स्टेप टू, असाइन वोल्टेजेस वेरिएबल टू ऑल नोड्स एक्सेप्ट द रेफरेंस नोड. अब हमने वोल्टेज वेरिएबल्स मीन्स लाइक ये हमने एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किया था, इसको हमने एज ए नोड नंबर वन कंसीडर किया है, इसको नोड नंबर टू कंसीडर किया है, तो हम इसको यहाँ पे नोटेशन भी देंगे कि दिस इज़ वी वन नोड नंबर वन एंड दिस इज़ वी टू. तो वेरिएबल्स हमने देने हैं वोल्टेजेस को, लाइक वी एक्स अगर हम कहें तो हमने वी एक्स हम नहीं कह सकते, वी वन कहेंगे, वी टू कहेंगे, वी थ्री, वी फोर, हमें डिफाइन करना होगा कि इसके वेरिएबल क्या है वोल्टेजेस के. ओके, स्टेप नंबर थ्री, अप्लाई केसीएल एट नोड नंबर वन. अब हमने जो भी नोड्स सेलेक्ट की हैं उन नोड्स पे केसीएल अप्लाई करना है, और केसीएल अप्लाई करके इक्वेशंस डेवलप करनी है. ओके, सो स्टेप नंबर थ्री मैं दोबारा से रीड कर लेता हूँ. अप्लाई केसीएल एट नोड नंबर वन. नोड नंबर वन हैज़ थ्री ब्रांचेस, एक ब्रांच ये है, ओके, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है. ठीक हो गया, तीन ब्रांचेस हैं. सो वो ये अप्लाई द केसीएल टू ऑब्टेन एन इक्वेशन विद थ्री टर्म्स एज फॉलोज. ठीक हो गया. अब हम यहाँ पे केसीएल अप्लाई करेंगे. केसीएल क्या है कि करंट्स एंटरिंग अ नोड, सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल्स टू सम ऑफ करंट्स लीविंग दैट नोड. तो लेट सपोज अगर ये करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है, तो जो बाकी के दो जो दो करंट्स होंगे दोज विल लीव फ्रॉम दिस नोड. उस उनकी जो डायरेक्शन बनेगी, यहाँ पे डायरेक्शन एंटरिंग है अगर, तो यहाँ पे लीविंग होगी और यहाँ पे भी लीविंग डायरेक्शन होगी. ठीक हो गया. सो नोड नंबर वन की इक्वेशंस देख लेते हैं कि वो किस तरह से डेवलप हुई और इक्वेशंस क्या है. ओके, सो माइनस वन, माइनस वन क्यों हमने यहाँ पे कंसिडर किया, ये वाला माइनस वन कंसिडर किया है क्योंकि इक्वेशन जब हम लिखेंगे वन इक्वल्स टू एक ये करंट एंड और एक ये करंट, तो वन इक्वल्स टू वी वन माइनस वी टू डिवाइडेड बाय सिक्स, क्योंकि प्रीवियसली हमने ये देख लिया था कि इन बिटवीन टू पोटेंशियल पॉइंट्स लाइक वी वन एंड वी टू हमने इक्वेशन किस तरह से डेवलप करनी है नोडल एनालिसिस टेक्निक को यूज़ करते हुए. तो अगर मैं इन दो पोटेंशियल पॉइंट्स की बात करूं, तो यहाँ पे जो करंट होगा, करंट किस तरह से हम निकालेंगे, लेट सपोज आई वन टू इक्वल्स टू वी वन माइनस वी टू डिवाइडेड बाय दिस 6 ओम रेजिस्टर. ठीक है, तो ऑलरेडी ये करंट तो आ रहा था, इस करंट को हमने नेगेटिव इसलिए किया क्योंकि इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब हम वन को लेके जाएंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ माइनस एंड विथ माइनस साइन. तो ये माइनस वन इक्वल्स टू वी वन माइनस वी टू डिवाइडेड बाई दिस 6 ओम रेजिस्टेंस. ठीक है, देन प्लस वी वन, दिस इज जीरो रेफरेंस पॉइंट, माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 12 ओम रेजिस्टेंस. ठीक है, इस तरह से इक्वेशन डेवलप होनी चाहिए और ऐसे ही इक्वेशन डेवलप होगी. ओके, माइनस वन वी वन माइनस जीरो, वी वन माइनस जीरो क्यों हुआ, ये इस पॉइंट पे वी वन माइनस जीरो एंड डिवाइडेड बाय दिस 12 ओम रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये इक्वेशन ये वाली है, वी वन माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 12 ओम रेजिस्टेंस प्लस वी वन माइनस वी टू डिवाइडेड बाई 6. ये कौन सी इक्वेशन है, दिस वन,
ये इस ब्रांच की इक्वेशन है, V1 - V2 एंड डिवाइडेड बाय दिस 6 ओम रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, तो इस नोड की इक्वेशंस डेवलप हो गई अकॉर्डिंग टू KCL। ठीक हो गया, देन नोड नंबर 2 पे हम KCL अप्लाई करते हैं। नोड नंबर 2 पे क्या हैज़ 3 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस हैं वहाँ पर भी। सो वी अप्लाई द KCL टू ऑब्टेन एन इक्वेशन विथ 3 टर्म्स एज फॉलोज। अब 3 टर्म्स में इक्वेशंस आएंगी, वो इस तरह से हैं। अभी हम दोबारा चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये नोड नंबर 2 है, नोड नंबर 2 से जो लिंक्ड ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो ये ब्रांच है, ठीक हो गया, एक ये ब्रांच है और एक ये वाली ब्रांच है। ठीक हो गया, 3 ब्रांचेस हो गई। तो अगर हम इस ब्रांच की इक्वेशन डेवलप करना चाहें वो कैसे होगी, V2। अब पहले V2 आएगा क्योंकि करंट जो है यहाँ एंटर हो रहा है। यहाँ पे अगर हम इस ब्रांच की बात करें, यहाँ एंटर हो रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है और यहाँ से अगेन लीव कर रहा है। यहाँ पे एंटर हो रहा है, ठीक है, यहाँ लीव कर रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है। अगर हम डायरेक्शन ये अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि इस नोड पे हम हैं, तो ये नोड एज ए रेफरेंस नोड कंसिडर करेंगे, तो V2 - V1 करेंगे। अभी हम ये कंसिडर करेंगे करंट इज गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस नोड। सो V2 - V1 डिवाइडेड बाई 6। अगेन ये वाला किस तरह से होगा, 4 आ जाएगा क्योंकि डायरेक्ट करंट हमारे पास अवेलेबल है। तो क्योंकि KCL में करंट ही रिक्वायर्ड होता है, इक्वेशंस जो हम बना रहे हैं वो भी करंट की ही बना रहे हैं, तो फिर यहाँ डायरेक्ट हम 4 एम्पेयर लिख देंगे, मीन्स 4। और इसके बाद ये जो हमारे पास ब्रांच है इसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी, V2 - 0, क्योंकि ये जो सारा पोटेंशियल पॉइंट है दिस इज़ एट 0 पोटेंशियल पॉइंट और 0 वोल्टेज पॉइंट। तो V2 - 0 डिवाइडेड बाय दिस 6 ओम रेजिस्टर। ठीक है, ओके। अब दोबारा यहाँ पे आते हैं और इक्वेशन देख लेते हैं। 4 वैसे ही लिखा हुआ है, 4 तो हमने वैसे ही लिखना था। 1 इज़ V2 - 0 डिवाइडेड बाय 6। व्हाट इज़ V2 - 0 डिवाइडेड बाय 6, V2, एंड दिस इज़ -0 दिस पॉइंट एंड डिवाइडेड बाय दिस 6 ओम रेजिस्टर। तो ये ब्रांच हमने यूज़ की है, इस ब्रांच को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन डेवलप की है, V2 - 0 डिवाइडेड बाय 6। ओके, देन इस ब्रांच की जो इक्वेशन थी वो डायरेक्टली हमने 4 लिख दिया है, और इस ब्रांच की जो इक्वेशन है दैट विल बी V2 - V1 एंड डिवाइडेड बाय दिस 6 ओम रेजिस्टर। सो V2 - V1 डिवाइडेड बाय दिस 6 ओम रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो KCL है वो यही कहता है कि सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल्स टू सम ऑफ करंट्स लीविंग दैट नोड और अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग एंड लीविंग एनी नोड मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, सो इक्वेशन 1 को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सो इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको कंसिडर कर लिया। सो 3V1 - 2V2 = 12, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। देन अगेन हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन ये वाली डेवलप हो गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। आफ्टर साइमल्टेनियसली सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, वी विल गेट V1 = -6 वोल्ट एंड V2 = -15 वोल्ट। ओके, ये अभी हमने वेरीफाई करना है कि वाकई हमने जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस जो कि की हैं, V1 = -6 वोल्ट एंड V2 = -15 वोल्ट, ये वेरीफाई हो रही हैं या नहीं हो रही। इफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू एंड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड वैल्यू इज सेम, देन वी विल से दैट नोडल एनालिसिस इज़ वेरीफाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नोडल एनालिसिस टेक्निक हमने वेरीफाई कर ली है। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो हमने यूज़ करना है वो मल्टी सिम यूज़ करना है। ठीक है, मल्टी सिम यूज़ करना है, और उसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, एंड अल्टरनेट लिंक फ्रॉम यूट्यूब इज़ आल्सो गिवन।
यहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हैं और उसके बाद इसको डाउनलोड करके आप यूज़ भी कर सकते हैं। ओके ओके दिस वाज टोटली फ्रॉम माय साइड एंड नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द सर्किट ऑन मल्टी सिम। ओके दिस इज़ बेसिकली एन एक्टिविटी टू सॉल्व दिस गिवन सर्किट। अगेन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द सर्किट ऑन मल्टी सिम यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस सर्किट एंड यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी। ओके अब हम चलते हैं। सर्किट हम ओपन कर लेते हैं जो हमने इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमारे लिए आसानी रहे। ये सर्किट हमने इम्प्लीमेंट करना है। चलिए अब हम चलते हैं मल्टी सिम की जीयूआई पे। करंट सोर्स हमें रिक्वायर्ड होगा। करंट सोर्स हम कहाँ से लेंगे? यहाँ पे देखें तो ये प्लेस सोर्स लिखा हुआ है। डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेज एंड करंट सोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर। ये जो सिग्नल करंट सोर्स है इस पे क्लिक करें तो ये डीसी करंट सोर्स हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। दो करंट सोर्सेज हमें रिक्वायर्ड हैं तो ये दो करंट सोर्सेज हमने सेलेक्ट कर लिए। और टोटल रेजिस्टर्स कितने लगे हुए हैं? 1, 2 एंड 3। तीन रेजिस्टर्स यहाँ पे सर्किट में कनेक्टेड हैं तो तीन रेजिस्टर्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। रेजिस्टर नंबर 1, रेजिस्टर नंबर 2 एंड रेजिस्टर नंबर 3। उसके बाद हमें ग्राउंड भी रिक्वायर्ड होगा तो ग्राउंड हम कहाँ से लेंगे? अगेन सोर्स में जाएंगे, प्लेस सोर्स लिखा हुआ है। पावर सोर्सेज में जाएं, ठीक है। ग्राउंड ये यहाँ पे अवेलेबल है, ग्राउंड। ओके ग्राउंड भी हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद अब हमें और क्या चीज़? और कोई चीज़ हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट मल्टीमीटर रिक्वायर्ड होगा तो वो मल्टीमीटर भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे आएंगे, मल्टीमीटर लिखा हुआ है, ये हमने सिलेक्ट करके यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। देन अभी हम सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये 1 एम्पेयर का करंट है, करंट सोर्स है। उसके बाद हमने दो रेजिस्टर्स इस अरेंजमेंट में कनेक्ट करने हैं। ओके इसको हम रोटेट कर लेते हैं, रोटेट 90 डिग्री। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो रोटेट 90 डिग्री लिखा हुआ आ जाएगा। एक करंट सोर्स हम फिलहाल यहाँ पे कर लेते हैं। ओके ये रेजिस्टर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद करंट सोर्स है एंड देन वी हैव अ रेजिस्टर। इसको भी हम रोटेट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, रोटेट 90 डिग्री आ गया तो रोटेट कर लेंगे। ओके इनको कनेक्ट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ओके देन अगेन हमने इसको भी कनेक्ट करना है तो ये भी कनेक्ट हो गया। ओके फिर हमें करंट सोर्स को कनेक्ट करना है। करंट सोर्स के लिए हमें ये देखना है क्योंकि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है। तो इसको हम रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री, अगेन 90 डिग्री, ठीक हो गया। अब ये अगर अपवर्ड पोजीशन में है तो ये डाउनवर्ड पोजीशन में डायरेक्शन होनी चाहिए इसकी, क्योंकि सर्किट में इसी तरह से है। इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, अगेन यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं, क्लिक करेंगे, अगेन फर्दर क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएंगे। ओके यहाँ पे इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, इस रेजिस्टर को। ओके कनेक्ट हो गए।
अभी हमने इनकी वैल्यूज़ चेंज करनी है, क्योंकि जो सर्किट में वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे अभी वो वाली वैल्यूज़ रेजिस्टेंसेस की और करंट्स की नहीं है। दिस इज़ 1 एम्पेयर, दिस इज़ ओके। यहाँ पे देखें तो ये 1 एम्पेयर का करंट है। दिस शुड बी 12 ओम रेजिस्टर, इसको हम चेंज कर लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे इस पर। डबल क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे वैल्यू पे आएंगे। वैल्यू में ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हम 12 ओम, 12 ओम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर किलो में करनी होती है तो वो भी किलो ये आप लिख दें तो किलो में हो जाएगी वैल्यू, बट अभी फ़िलहाल हमें 12 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए। ये सेट हो गया 12 ओम रेजिस्टेंस, इसकी सेट हो गई। एंड देन यहाँ पे जो रेजिस्टर था उसकी वैल्यू हमें 6 ओम चाहिए, 6 ओम। डबल क्लिक करेंगे, 12 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, दोनों वैल्यू सिलेक्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे जो करंट है डाउनवर्ड पोजीशन में है वो 4 एम्पेयर करंट है, ठीक है। तो ये 4 एम्पेयर कर लेते हैं। जो रेजिस्टर है इसकी वैल्यू 6 ओम है, तो इसको भी हम 6 ओम। ग्राउंड हमने कनेक्ट करना है, ग्राउंड को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि रेफरेंस नोड हमारा यही है, रेफरेंस नोड यही रहेगा। तो दिस इज नोड नंबर 1 एंड दिस इज नोड नंबर 2। तो जो नोड नंबर 1 पे वोल्टेज अगर हमें फाइंड आउट करना है, वोल्टेज हम लाइक V1 हमें फाइंड आउट करना है, तो पॉजिटिव पॉइंट हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर का। ग्राउंड पोजीशन पे जो हमने रेफरेंस नोड लिया है आप यहाँ कनेक्ट कर दें या डायरेक्ट ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दें, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और अब हम इसके वोल्टेजेस देख लेते हैं। जो V1 पोजीशन पे वोल्टेज हमने कैलकुलेट किया था V1 नोड पे, वो कितना था? -6 वोल्ट था, तो यहाँ पे -6 वोल्ट ही आना चाहिए। ओके, सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। सिमुलेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सिमुलेशन स्विच है, तो यहाँ आप वोल्टेज यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे विथ रेफरेंस टू दिस पॉइंट, ये इंडिकेट कर देगा। अब इस पॉइंट पे कितने वोल्टेज हैं? -6 वोल्ट। सो V1 इक्वल्स टू -6 वोल्ट। लेट्स सी के -6 ही है। यस, V1 इक्वल्स टू -6 वोल्ट। एंड व्हाट इज V2? V2 इक्वल्स टू -15 वोल्ट। तो V1 हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे हमने मैयर कर लिया V1। मैयर्ड वैल्यू क्या है? -6 वोल्ट। मीन्स कैलकुलेटेड वैल्यू एंड मैयर्ड वैल्यूज बोथ आर सेम। बोथ आर सेम मीन्स नोडल एनालिसिस वेरीफाइड एट दिस पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे हम देख लेते हैं इनके जो कनेक्शन है वो। पहले सिमुलेशन ऑफ करेंगे, सिमुलेशन हमने ऑफ कर दी। उसके बाद ये पॉइंट्स हम डिलीट कर लेते हैं। अब इनको मल्टीमीटर को, वोल्ट मीटर को हमने कहाँ पे कनेक्ट करना है? एज अ वोल्ट मीटर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ नोड नंबर 2। पॉजिटिव पॉइंट हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव पॉइंट हम ग्राउंड पोजीशन पे कनेक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो गया और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट अवर सिमुलेशन। सिमुलेशन स्टार्ट की एंड वी विल सी द वोल्टेज एट दिस नोड। सो दिस इज़ -15 वोल्ट और जो हमने कैलकुलेट किया था V2, दैट इज़ आल्सो इक्वल्स टू -15 वोल्ट। सो बोथ आर सेम, बोथ हैव द सेम वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू एंड मैयर्ड वैल्यू बोथ आर द सेम वैल्यूज़ एंड नोडल एनालिसिस इज़ वेरीफाइड। जो हमने वहाँ पे कैलकुलेशन की थी, कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे मैयर्ड वैल्यूज़ भी वही सेम है जो कि हमने वहाँ पे देखी थी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज ऑल अबाउट नोडल एनालिसिस टेक्निक एंड नोडल एनालिसिस टेक्निक इज़ वेरीफाइड। अल्लाह हाफिज़।